जिस प्रकार का, आप ज़्यादा मत बोलिए क्योंकि आप लोग अनशन कर रहे, तीसरा दिन है आपका भी, आप बच्चे को दूध भी पिला रही हैं? बेटी को दूध पिलाती हूँ, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे मजबूरन बैठे हुए हैं। महिलाओं के बलिदानों से बने राज्य में एक माँ अपने बच्चे के साथ, कितने कितनी उम्र बताई आपने? मैडम मेरी बेटी की उम्र 2 साल है। 2 साल। हम लोगों के पास कोई साधन नहीं है, इसलिए यहाँ पे मजबूरन मेरे को अपनी बेटी को लेकर आना पड़ा। कहाँ से आई हैं? मैं रुद्रप्रयाग से आई हूँ। रुद्रप्रयाग सिलाई बुनाई करके अपने बच्चों का खर्चा उठाती हूँ। आप बताइए आप कहाँ से आई हैं? मैं टीरीगढ़ से आई हूँ। क्या नाम है आपका? सुनर। और आपके बच्चे? मैम मैंने एक बेटा है, उसे मम्मी के पास छोड़ के आई हूँ। अच्छा, तो वो तो आपको बहुत याद कर रहा होगा। हिम्मत नहीं हारते, हिम्मत नहीं हारते। उत्तराखंड की जो महिला होती है वो बहुत शक्तिशाली होती है और शक्ति का प्रतीक होती है महिला। रोना नहीं, आपने रोइए नहीं। आप, आपके अंदर जो शक्ति है वो कईयों के बराबर है, कितनों के बराबर नहीं कहूँगी। बस 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 बस, और तबीयत खराब होगी, वैसे ही आपने खाया हुआ नहीं है। कुछ शर्म आ रही है मुख्यमंत्री, कुछ शर्म आ रही है भारतीय जनता पार्टी के फालतू के प्रवक्ता हो, बहुत बकबक करते हो। बस 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 बैठे रहो, बैठे रहो। मैं आपको रुलाने नहीं आई थी, हाँ मैं आपको रुलाना नहीं चाहती। क्या कह रहे हैं मम्मी पापा अब? क्या कह रहे हैं? मैम छोटा है इनका बच्चा ना, 5 साल का, वो तंग कर रहा है कि मम्मी तीन दिन से अपने बेटे से नहीं। आप रो मत, वैसे ही आपने खाया नहीं है, 3 दिन से खाया नहीं है। हाँ। 3 दिन से नहीं खाया।